हाँ ये देखो, ये लेफ्ट और राइट वाला है, और देखो कितना बढ़िया से पैकिंग किया है। पैकिंग के अंदर करिए, चलाइए 1000 चला के दिखाइए पब्लिक को, खोलिए इसको तब तो दिखेगा। ये देखो, अरे जीव इंसान यार, इंडिकेटर तो मार दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घोस्ट अनलीश्ड। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और इंस्टॉलेशन वीडियो ही लेके आया हूँ, और इंस्टॉलेशन करना है इस चीज़ का, एक मिनट, इस चीज़ का। ये है R1 बेस्ड मिरर्स जो कि मैंने मंगवाया है PGX ऑटो एक्सेसरीज से, और काफ़ी जल्दी आ गया ये, मैंने परसों ऑर्डर किया था और आज ही आ गया है, तो थैंक यू PGX इसके लिए। तो जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन कर अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। और इंस्टॉलेशन आज मैं खुद से नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बाहर कुछ काम है यार और कुछ नहीं, तो इस थोड़ा इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग पहले। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था, ये मुझे PGX के पास से मिला है, और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी 2800 का, और जो शिपिंग चार्ज था उस पर मुझे PGX की तरफ से डिस्काउंट मिला था, तो उसके लिए PGX को वेरी वेरी थैंक यू। एंड देखो, रैपिंग तो बहुत अच्छे से किया हुआ, इनफैक्ट जो इसका एक्सटर्नल रैप था जो आया था वो भी काफ़ी अच्छे से रैप, बबल रैप था, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यार। ये जो PGX की तरफ से जितना, मतलब कोई PGX खास करके इस चीज़ का ध्यान देता है ना, कि कोई भी सामान आप मंगाओ तो उसका रैपिंग वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो जल्दी से इसको अनरैप करके एक बार देखते हैं अंदर का प्रोडक्ट कैसा है। इसको साइड हटा दो, और ये बाप रे बाप, डबल रैपिंग करके दिया हुआ है। एंड ये है राइट वाला, हाँ ये देखो, ये लेफ्ट और राइट वाला है, और देखो कितना बढ़िया से पैकिंग किया हुआ। पैकिंग के अंदर फिर मिरर्स के लिए भी ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसा मैं बोल रहा था, PGX का पैकिंग बहुत अच्छा रहता है यार, और क्वालिटी वाइज देखोगे तो यार क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका। लाइट्स का क्वालिटी तो एक बार लगाने के बाद ही पता चलेगा मेरे को। खास करके ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो है ये एडजस्टेबल है प्रोबेबली, ये देखो ये जो है ये है एडजस्टेबल थिंग, जिसमें कि आप फिर अपने मिरर को एडजस्ट कर सकते हो, और ये तो मोटा मोटी ये तो ऐसे ही बंद हो जाएगा फिर, ये तो काफ़ी टाइट है यार, भी नहीं हो रहा है बट जो भी। और ऐसे अगर वायरिंग की तरफ से देखो तो वायरिंग भी काफ़ी अच्छी से की हुई है। देखो यहाँ पे ये इन्होंने इसको प्रोटेक्टिव कवर भी लगा के दिया हुआ है। एक चीज़ मेरे को जो थोड़ा अजीब लगा कि ये इसका वायर देखो यार काफ़ी छोटा वायर है, तो आई थिंक इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। तो चलो अच्छा ही लग रहा है मिरर्स, तो अब जल्दी से इसको इंस्टॉल करके देखते हैं बाइक पे कैसा लगता है ये। हाँ एक चीज़ और, बिल्ड क्वालिटी शायद मैंने बोला, मुझे ध्यान नहीं था, मैं इतनी जल्दी भूल भी गया, बट आई थिंक बिल्ड क्वालिटी की बात अगर मैंने नहीं की हो तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है इसका। देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मतलब फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल ही लग रहा है ये एकदम, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलते हैं अब बाइक पे, चलते हैं शॉप पे और इसको इंस्टॉल करवाते हैं, तो मिलते हैं अब आपसे बाइक पे। ओके, तो ये रही बाइक, और देख सकते हो आप लोग बाइक ऑलरेडी गंदी हो रखी है। एक सेकंड, ये देखो बाइक कितनी गंदी हो रखी है यार, ये बाइक मेरी ऑन टाइम गंदी रहती है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ऐसे निकल जाएगा शायद, ऐसे गाड़ी लगा देता है ना यहाँ पे सब लोग। Years later. हाँ बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी पहली बार यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे
मुमताज भाई के शॉप पे, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। और वहीं जाके हम लोग अपना ये कंप्लीट करवाएंगे इंस्टॉलेशन इसका। और अभी तो मैंने ये लगा के रखा हुआ है, चश्मा लगा के रखा हुआ है देखने के लिए कैसा लगता है। तो शायद मैंने गलत लगाया है, पता नहीं। टेक्निकली तो थोड़ा नीचे हाथ वाथ पर आना चाहिए, मैंने भी चेक किया था कैमरा में, मैं वही चेक ही कर रहा था इनफैक्ट इतनी देर से। तो बस वही है, और अभी आप लोग देखेंगे ना किस टाइप से किस टाइप से लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है ना, पागल जैसे। थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा, आपके लिए घर में तो सब शेर बनते हैं। देखो वही बता रहा था मैं, अभी ऐसे इंस्टेंसेस में मेरे को बहुत देखने मिलते हैं। अभी सुबह से तीसरी बार देखो, अरे यार भाई तो पेट्रोल भी नहीं है, चलो वो भी ढंग लेंगे। तो हाँ, ये वाला मेरा मंगाने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि जो ये दूसरा वाला मैंने मंगवा के रखा है, ये यूनिवर्सल मेरा है, और ये मेरे को इसको लगाए हुए 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मतलब जब मैंने बाइक लिया था उसके 1-2 महीने बाद ही मैंने यूनिवर्सल में खरीद लिया था। बट फिर अभी हुआ क्या है कि लगातार लगा के रखने की वजह से और उसको अप डाउन करने की वजह से ना ये थोड़ा इसका जो स्क्रू का नट का पार्ट था वो घिस गया है, इस वजह से ये टाइट नहीं होता। एक बार तो ये ऑलमोस्ट खुलते खुलते रह गया था रस्ते में, तो इसी वजह से तो मैंने सोचा कि अब चेंज करना ही है, तो कुछ अच्छा ना चेंज करते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये मंगा लिया। अरे यार ये क्या है, जान क्यों लगा हुआ है। तो इस वाले मिरर का मेरे को जो व्यू एंगल है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कम है मेरे लिए, अक्सर आधा ही चीज़ दिखता है। तो यार क्या मुसीबत है, दुकान के पास में इतना आता है, चलो ऐसे मेरी तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरा तो डिस्क्रेस तो नहीं गया ऑलमोस्ट। अरे यार रुको जरा, सबर करो, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो क्या रहा है। सही बात है चाचा, यही नहीं अभी और सुनिए, लिटरली आप लोग को वो बत्तियां बल रही दिख रही है, लाल ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, वही जाना है मेरे को। और ये हालत है यहाँ का सर, रुकना तो मेरे को यही है। अरे भैया बदलवाना इसको, ये लगा दो ना, ये लोग फिर गिरियाना शुरू कर देगा। अरे नया मिरर लेके आया वो लगवाना। गाइस यार देखो अभी लगा हुआ है यहाँ पे इतना सारा जाम, और ये है हमारे मुमताज भैया, और जो अभी ये खोल रहे हैं, और ये है उनकी शॉप जैसा मैं बता रहा था, छोटी सी शॉप है लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो सब कुछ है, और R15 से लेके बुलेट से लेके सारे तरह की चीज़ों का ये मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। तो और फुल छोटी सी चीज़ से लेके फुल मॉडिफिकेशन तक भी सब कुछ भैया करते हैं। भैया ये आगे का 4 स्क्रूज खोल रहे हैं, ये 4 स्क्रूज खुलेगा, और एक सेकेंड थोड़ा पास जाना है, और ये वाला जो साइड पैनल है वो खुलेगा, उसके बाद जो अंदर का कनेक्शन है वो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो ये अभी खुल चुका है, और इसको खोलने का रीज़न ये है कि इसका जो R3 वाला मास था उस पर 2 होल्स करने पड़ेंगे ताकि जो वायर है इसका वो अंदर की तरफ से जा सके। और तो ये देखो ये एक होल है इसकी मैं बता रहा था, और दूसरा वाला उधर कर रहे हो ना, ये दोनों होल्स में से वायर पार हो जाएंगे, और अभी जा रहे हैं मुमताज़ भैया फिर से वो उसको लगाने के लिए। तो एक बार एक मिरर फिक्स हो जाता है फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। चलो अरे चलाइए, 1000 चला के दिखाइए पब्लिक को, खोलिए इसको तब तो दिखेगा, खोलिए मिररवा को खोलिए।
गाइस ये है R1 वाला मिरर, देख सकते हो आप लोग। तो यही है, बताना कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और आते हैं घर को, एक बार बीच रास्ते में रुक के ये भी देख लेंगे कि ओवरऑल व्यू कैसा आ रहा है इस चीज़ का। मैं यार खुद देख तो लिया, वो तो ठीक है, आप लोग को नहीं दिखाया तो ये पूरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा। पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी डलाना है इसमें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आई एम नॉट श्योर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट जो लास्ट वाला मिरर था ना उसका एंगल कुछ इस टाइप से था, इस वजह से क्या होता था ना कि उसका व्यू बहुत अच्छा नहीं था पीछे का, तो मोस्टली मेरा हाथ ही पूरा कवर कर लेता था। ये क्या है, ये थोड़ा मतलब ओरिजिनल मिरर जैसा है, इस वजह से इसका व्यू बहुत अच्छा है और थोड़ा सा एडजस्ट करने से ही। मेरे को जाने दो। ओके थैंक यू, बाय बाय चाचा, बाय चाचा। चाचा पूरा कंफ्यूज थे, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, किधर जाना है उनको पता ही नहीं है उनको। यहाँ भी लगी होगी चेकिंग, तो मैं देखो हाँ माइक का जो इशू था ना, मेरे को पता चल गया फाइनली इसका क्या करना है। तो काफ़ी सारे प्रयास के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ चुका है कि मेरे से माइक का कोई दूसरा जुगाड़ नहीं हो सकता है, मतलब कॉटन से लेके बलून का रैप तक सब कुछ मैंने लगा के देख लिया बट आवाज़ नहीं ठीक हो रही है। तो बस एक ही ऑप्शन है मेरे पास और वो है कि एक अडैप्टर आता है जो मैं कुछ दिनों बाद खरीदूँगा या फिर नेक्स्ट मंथ ही खरीदूँगा, एंड उसके बाद कोई दूसरा माइक यूज़ करना पड़ेगा प्रॉबर्ली, और कोई सीन नहीं है। चाचा इंडिकेटर कहाँ है चाचा आपका, वाह चाचा वाह। बुलेट का आवाज़ मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखो। अरे अजीब इंसान यार, इंडिकेटर तो मार दिया करो कम से कम। कोई बात नहीं, सबको पता चल रहा है यहाँ की पब्लिक कैसे गाड़ी चलाती है। और ये है हम लोग के यहाँ पे डीएम कोठी, कोठी वो वाला कोठी नहीं, डीएम का कोठी है। यहीं पर कहीं आगे चलते क्योंकि ये रोड थोड़ा खाली रहता है, तो यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही साइड पर रुकते हैं और आपको मैं बाइक दिखाता हूँ कैसा लग रहा है बाइक आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मिरर्स। एक सेकंड रुक जाओ। गाइस ये है R1M का मिरर जो लगाया हुआ है और अभी हजार्ड ऑन करके रखा है और अच्छा ही लग रहा है, तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये वाला। तो चलते हैं आप घर की तरफ और कमेंट सेक्शन में बताना यार मेरे को कि कैसा लगा आप लोगों को ये R1M का मिरर। अगर अच्छा लगा है तो फिर वैसे भी PGX का पेज का मैं डिस्क्रिप्शन पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो और मोस्ट प्रॉबली आप लोगों को ईमेल मिल जाएगा तो उनके, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था काफ़ी जल्दी इसका डिलीवरी मेरे पास हो गया था, तो बस यही है। चलते हैं घर की तरफ, घर भी ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा, वो मेरे घर जाने वाले लोग ऐसे चलेंगे गाड़ी तो कैसे चलेगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।